तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, एल्विश और उसकी गैंग बिल्लू सांडा के साथ मिलकर खूब वसूली करती है, खूब गैंग वॉर करती है, खूब मजे करते हैं सारे लोग, मतलब बढ़िया अयाशी फुल गैंगस्टरबाजी। तभी एल्विश की लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की, और बिल्लू सांडा बोल देता है कि इस गैंग में लड़की की कोई जगह नहीं है, तो इसको बाहर निकालो और लड़की का जिक्र कभी नहीं होगा। बट एल्विश नहीं मानता, और जब लास्ट मिशन होता है एल्विश अपनी गैंग को छोड़ के लड़की के पास चला जाता है। लड़की भी एल्विश के सर पर बंदूक रख देती है और उधर की साइड पूरी गैंग भी फंस जाती है। अब देखो एपिसोड 3 में क्या होगा। अबे ये क्या कर रही है तू, लग जाएगी भाई। लग जाएगी नहीं, लगेगी। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, ये क्यों कर रही है तू? अच्छा तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? तुमने मुझसे पूछकर मेरे 2000 भाइयों को मारा था क्या? 2000? वो अर्चित परचित चर्चित तेरे भाई थे क्या? हाँ, मैं उन 2000 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, लेकिन अब तुम किसी के भाई कहलाने के लायक नहीं रहोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1, 3 चला चला चला, ढंग तैयार धर के चला। अरे बिना गोली के कहते बंदूक चलती होगी, इसके अंदर 2 गोली थी ना, पता है वे कहाँ है? नीचे है, दिखाऊं? रहने दे, डर जाएगी तू, दूसरी देख। है अबे मेरे माथे पे क्या जोगिंदर लिख रहा है क्या, कि तेरे जैसा कोई भी टटपूंजी आया और ठोक के चला गया। इसमें 6 की 6 लोडेड, जैसे तेरे 2000 भाई मारे थे ना, मिस कर रही होगी, उनके पास भेज देता हूँ, है ना। फैमिली कंप्लीट, 1, 2, 3 कहाँ जमीन? लो भाई आओ ना, हटे। तो लक्ष्य सही रहे, तेने टाइम पे एमसीबी गिरा दी, अगर एमसीबी ना गिरती ना हम सब नरक में गिर जाते। कोई ना बिल्लू भाई, चलो निकल रहे यहाँ से। हम ना निकलेंगे, अब निकला को पिल्ला एल्विश पिल्ला, जहाँ भी हो ना उठा लाओ। वो टाइम पे ना आया ना पाप, पता लग जानी चाहिए वहाँ डैडी कैसा हो। वहाँ तो कह दिए तेरा डैडी बुला रहो, टांग के नीचे हाथ दे के यार उठा ला, चल जा। या की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, तेरी या गलती की वजह से पूरी गैंग की जान जा सकेगी। नू बता तू हो कहाँ, एक छोटा सा काम ना कर पाया तू? बिल्लू भाई मैं पहुंचने वाला था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप लोग बताओ ना मैं क्या करता। ओ टायर पंचर हो गया? बिल्लू भाई इसकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं, इसकी जिंदगी का टायर पंचर हो रखा है। आपको पता ये कहाँ था? ये उसी लड़की के चक्करों में पड़ा हुआ है, ये वो वाली, वो जिसके बारे में बता रहा था। एल्विश मैंने क्या कही, तू वाली लड़की तो नहीं मिलेगा, तू फिर मिलने गया। बिल्लू भाई झूठ बोल रहे आपके, झूठ कुछ झूठ ना बोल रहे भाई, हम एकदम सच बोल रहे हैं भाई। पूरी रात मैं अपने कानों तक सुनू, आंखों तक देखू, सोसो मैसेज आवे, सोसो कॉल आवे, आह की आवाज आवे बिल्लू भाई। और जब मैं कह दूं कि बात मत कर, तो मैं तो तनु कह देवे और कुत्ते अपना काम करने। फिर तू क्या करे? कुत्ता अपना काम कर रहा भाई, काम करे कुत्ता और क्या करेगा। अरे वो तू फालतू मत ना बोले, चुप। याद है मैंने पिछली बार क्या कही, हमारी गैंग में लड़की के बारे में कोई बात ना होगी, अगर किसी ने करी तो जानते मार दूंगा। अरे छोटे भाई की तरह रखो एल्विश तू, और तैने अपने भाई है दगा दियो, विश्वासघात करो अपने भाई की गैल। बिल्लू भाई चुप, भाड़ में गया बिल्लू, भाड़ में गया तू, अपनी शिकल मत दिखाइयो। चलो रे गाइज कम ऑन, चलो आज के बाद कोई आते बात नहीं करेगा, चल चले। मुश्किल ये राहें हैं, मुश्किल ये वक्त है मेरा, दुआ भी ना सुनता वो मेरी, इम्तिहान वो शायद है लेरा, अंधेरा है राहों में, कब आएगा नया सवेरा, दुआ भी ना सुनता वो मेरी, इम्तिहान ये कैसा है मेरा। इस इम्तिहान के लिए मैं तैयार नहीं, हर हाल में दे साथ, ऐसे भी मेरे यार नहीं, सब काटने को दौड़े मेरे पास हथियार नहीं, बढ़ाना चाहूँ हाथ, हाथों में मेरे जान नहीं, मैं बोलूँ दिल की बात बस सुनने वाले कान नहीं, तभी रहता हूँ चुप पर गांधी बेजुबान नहीं, ये जानते हैं सब यहाँ कोई अनजान नहीं, ना पूछे उसे कोई जिसकी कोई पहचान नहीं, ये मुंह पे बनते अच्छे पर अच्छे इन...
1 2 3 ना मार रहा, मैंने तेरे से ना सच्चा प्यार करा था, और अगर आज मैं तूने मार दूंगा तो लोगों का ना प्यार पे तो भरोसा उठ जाऊंगा। इससे पहले मैं अपना डिसीजन चेंज करूँ ना, यहाँ तक निकट जा ना, भगवान कसम आसपास कहीं मोहल्ले में भी दिखगी ना तेरे ऊपर तो फॉर्चूनर निकाल दूंगा। थोड़े दिन पहले ही ब्लैक करवाई है, और तेरे ऊपर तो निकालूंगा रात ने, पब्लिक भी नू पूछती डोलेगी रात को ऊपर कौन चढ़ गया। ठीक है चढ़ जाए यहाँ ते पागल सी। एल्विश देखो, अब मैं अपने भाइयों को तो खो ही चुकी हूँ, लेकिन अब अपने सच्चे प्यार को नहीं खोना चाहती। हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है ना तो तुम मुझे रोक लेना। सुन भागी चली जा, चल निकल निकल निकल। अरे राव साहब की बड़ी हेड है तेरे में तो। अरे रुक तो जाओ यार, मेरे को एक बात बता, जैसे तू डॉक्टर है, तू ऑपरेशन भी करती है, तो पेट के अंदर जैसे घड़ी छूट गई, कोई कैची वैची छूट गई, तो उसके बाद जब पेट सीम देते हो तुम, तो उसमें से भचक भचक की आवाज भी आती है क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब पहले होता था कि ऑपरेशन करते हुए कभी कैंची भूल गए, कभी घड़ी भूल गए। आजकल के टाइम में ना लोग अपने 500-500 गज के प्लॉट भूल जाते हैं। फनी, वेरी फनी। भैया एक काम करना, इसका ना बिल अलग लगाना है, घड़ी फनी है। ओह माय गॉड, माय ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने पंटर आ गए सारे। ए ए ए पंटर, पनवाड़ी मेरी बात सुन, जितनी मेरी जुबान चला है ना उसका डबल चला है मेरी बंदूक। अरे मैंने तो इस होटल का मालिक लगन लाग रहा है, तो एक काम करो हफ्ता निकाल के टेबल पे धर देना, तो तेरा आखिरी हफ्ता होगा यो। अरे छोटू कौन है, इन्हें बाहर निकाल, चंदा वंदा देख है, देख चप्पल और पैर कहाँ है, खर्च गंदा कर दिया, इन तक खाना वाना खिला दे हमारा धर्म लग जाएगा। चल हट मेरे यार, तुमने तो बेइज्जती करवा दी भाई, तुमने तो बेइज्जती करवा दी यार, इसमें बिल्कुल नमक ही नहीं है, इतना सा भी नमक नहीं है, इसमें डालो ना कुछ, गर्लफ्रेंड के आगे बेइज्जती हो रही है। अबे ओ यहाँ का कॉमेडी सर्कस कर रहा, मजाक कर रहा, अबे बिल्लू सांडा के पंटर है, हल्के में ले रहा है ये तो। चल ना दे रहा, चल चल सड़ी सकल के, चल चल बंद। अब तो मना भी कर दी भाई, तुमने मेरे को मना कर दी यार, नमक नहीं देना, प्यार से तो बोल सकते हो, प्यार से तो बोलो कम से कम। ना मिला क्यों ना मिलेगा, हफ्ता निकाल नीचे से। अच्छा हफ्ता चाहिए, रुक अभी रुक रुक, मोटा पैसा होगा सिस्टर, पार्टी करेंगे पूरी रात, पार्टी करेंगे। ओ माय गॉड, ओ भाई मेरा एलिस भाई खड़ा हो गया, अब तेरा मुक्का मार के ना मुंह पे सारा हफ्ता कब्जा लेगा। यार सेल्फ सर्विस करना पड़ेगा क्या, खुद जाके नमक लेंगे हम, कम से कम नमक तो भिजवाओ, इसमें नमक नहीं है। अभी नमक आ जाएगा ना, उसके बाद क्या मजा आ जाएगा, तू सोच भी नहीं सकती। अबे ओए तू वो कमजोर पे हाथ उठा के क्या फनेखा बन रहा है क्या, जोर है तो आयरन मैन पे हाथ लगाना। ले तू भी हफ्ता। अरे ओए बॉडी बिल्डर, लैब में एलिस भाई आ गया फॉर्म में, अब तेरा सिस्टम बांध देगा सिस्टम। भाई बिल तो भिजवा दो यार, हैं बिल तो भिजवा दो, मेरे को अच्छा लगता फ्री का खाना, समझ रहे हो, मेरे को बिल चाहिए और वो सोफ वो भी भिजवा दो। और बाय द वे मेरी गर्लफ्रेंड ना डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, फ्री में इलाज कर देगी अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा हो, मुंह पे दर्द हो रहा हो। ठीक है चलो बेबी यहां से चलते हैं, एक गरीब खड़े हैं इधर साइड में, कोई नहीं छोटे छोटे भाई बदल गया यार ये भाई बदल गया। एल्विस को टीम में वापस ले लें तुम लोग कह रहे हो हैं? वैसे मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि तुम्हें एल्विस की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? आप बताइए कटारिया, आप बताइए। मैं बताता हूँ बिल्लू भाई क्या जरूरत पड़ गई, अभी क्या ना मैं पल्ली गली मैदान लग रहा था प्रसाद बांट के मंगलवार का, चार लड़के उसके घटाघट घटाघट रीड पे डुक्के देने लग रहे हैं भैया, उसे बहुत जरूरत है, उसे टीम में ले लो प्लीज। भाई मैं भी सेम सोचता हूँ, बेचारा वो बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, हमारे सिवा उसका है ही कौन, उसको वापस बुला लो भाई, बुला लो प्लीज बुला लो। ये सब सुन के तो मेरे को भी ये लग रहा है कि अब हमें उसे टीम में वापस ले लेना चाहिए यार। तू भी कहीं पिटका है आगे।
बहुत यार। बिल्लू भाई अब हम उसको टीम में वापस ले लेते हैं। ठीक है, तुमने कही मैंने सुनी, मैं फिर भी ना मान रहा हूं, क्योंकि जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं सोचता वो मैं कभी नहीं करता। भाई हाथ पांव खूब मारूं पर भाई मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाता। तो नहीं नहीं तो बिल्लू भाई अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ ना करना हो, कल बस रेडी रहियो, कल एक को हिसाब किताब ऐसा चुकता करना हो कि वह को हिसाब किताब चुकता ही कर देंगे। चुकता हो जाएगा, चुकता। लेट्स गो गाइस, जिम जाना है। बिल्लू भाई ठीक है, बिल्लू भाई कल मिलते हैं फिर। तंजीम भाई मुझे आपकी चाय में थोड़ी सी कमी लग रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा आपने इसमें वो नहीं डाला। हाँ इसमें आपने जीरा तो डाला ही नहीं, ना इसके अंदर हल्दी डाली। अब चाय बनानी मैं सिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले इसके अंदर डालो घी, फिर आएगा इसमें जी, उसके बाद इसमें छोक वोक लगा हुआ यार है, फिर भी ठीक है। ये थोड़ा का इसमें घी होता ना भगवान एकदम। भाई उस बिल्लू सांडा और उसकी गैंग का तो काम तमाम हैगा, जैसे वो इस बिल्डिंग के नीचे मेरी फायर उनके पीछे पीछे, और फिर पूरे शहर में एक डंका बजेगा, कान खजूरा गैंग। यो बात तू सही कह रहा है, नाम तो बस एक का चाल लगा, कान खजूरा। और यह बात ने किसी के कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। किसी के ना पड़े किसी के भी, किसी ने सुनी तो ना ना सुनी ना सुनी कुरकुरा ले तो फिर कान खजूरा। यो बात तो बिल्लू सांडा भाई तो बतानी पड़ेगी। बॉडी देख, जिम कर रखी है। यार ये बल्लू कहाँ रह गया? सॉरी भाई मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं बल्लू भाई, मेरी बात ध्यान तो सुनो। जो आज को शेड्यूल रहेगा ना रात को, हमें या तरीका तक है। एक सेकंड कॉल आ रहा है, कॉल ओ ये एलविश का कॉल आ रहा है, उठा लूं बल्लू भाई? काट फोन काट। तो पूरा बोलो ना, आप भी क्या कंफ्यूज कर रहे हो? क्या कर रहा तू? अरे समीर फोन उठा ले यार। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा फाइनल डिसीजन है, यू बंदो मोर अपनी टीम में ना लेनो। एक मिनट मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट रुको। एलविस कोई फोन है? उठा लो ना। क्यों उठा ले? अरे बिल्लू भाई फोन उठाओ। नु कहेगा भैया संडा भाई मो अपनी टीम में ले लो, पर मौत ना लेनो ना। शिट यार शिट, मैंने कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरा डिसीजन फाइनल है। और तुम भी अपने फोन स्विच ऑफ करो, अगर किसी के द्वारा फोन आगा ना फोन मैं तोड़ दूंगा नीचे गिर के, बाकी टूट जाएगी स्क्रीन, ना तो रात को गेम खेल पाओगे और गफार मार्केट के चक्कर डोलोगे। डन कर लिया कि स्क्रीन गिरवा दो भैया, पैसा दे दो घंटा। शेड्यूल सुन माथुर, माथुर माथुर साहब अरोड़ा, इनको हफ्ता लेकर आना, अगर ये हफ्ता नहीं देते पता क्या करना है? करने तो होएगो, हाथ ऊपर करने तो ना। चलो अच्छा हाँ चलते चलो 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 ठीक है बल्लू भाई, काम उठाना पड़ेगा, इसके काम तो उठाना पड़ेगा। अरे लक्ष्य समीर है कहाँ? हमें नीचे जाके मिशन कंप्लीट करना, पैसा लेने यार। बिल्लू भाई बस आन लग रहे। चला बिल्लू भाई मुझे कुछ बताना है आपको। हम तेरा फोन ना उठा रहे इसका मतलब पता क्या है? हम तो बात ना करना चाह रहे, हमारा हाथ अट। बिल्लू भाई तेरी समझ में ना आ रही क्या? हमें कोई बात ना करनी तो है। चल रहा नीचे आपके फील्डिंग लग रखी है, नीचे जाना इम्पॉसिबल है। हमारी फील्डिंग लग रही है? हाँ भाई कान खजूरा गैंग नीचे 40 बंदे खड़े कर रखे, फुल असला लेके नीचे गए ना, इतना असला भर देंगे तसले में लेके जाने पड़ोगे। ये कान खजूरा भी, एल्विस तू पागल है तो पता ही, फिर यहाँ आयो क्यों? छोटा भाई माना था ना आपने, तो इतना फर्ज तो मेरा बनता ही है। ये फिल्मी डायलॉग कहाँ तक सीख का है? कौन सी फिल्म देख ली था ना?
चाल मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाल मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाल मैनू बचाल मैनू बचाल मैनू बचाल मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाल मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो। साड़े मैंने तुम लोगों के पास कितने फोन करे, तुम अगर एक फोन भी उठा लेते ना मेरा भाई ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाई तुझे कैसे समझाऊं भाई, बिल्लू भाई ने खुद हमारे फोन स्विच ऑफ करवा दिए थे यार, कैसे फोन करते हैं? क्या रिपोर्ट है? I'm sorry. He's no more. मैं तेरे लिए सी पन्ना तू मेरी सी किताब नहीं, क्यों पाड़िया पन्ने नूए दे जा तू हिसाब नहीं, क्यों साड़िया पन्ने नूए दे जा तू हिसाब नहीं। भाई एक बात तो पता चल गई, कुछ ना जरा बदमाशी की लाइन में। भगवान कसम हम तो पहले ही सुखी थे जब 5-7 हजार रुपए कमा रहे थे। मैंने तो सोच ली भाई अपने घर जाऊंगा और अपनी माँ दौरे रहूंगा, कोई फायदा नहीं इस बदमाशी का। भाई थे वो मेरे, और वो बहन ही क्या जो अपने भाई की मौत का बदला ना ले सके। सांसारिया, अब सांसारिया, ऐसा तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। दुख मेरा जान तू जान 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 हुंदी सी मेरी जान 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 दुख मेरा जान 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 हुंदी सी मेरी जान 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 लवेंगी हुण जान 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 जान। इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कामयाब वही होता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है। गलत तरीकों से और गलत इरादों से किया गया काम कुछ ही टाइम के लिए हमें आगे बढ़ा सकता है, बदमाशी का अंत हमेशा खराब ही होता है। लावेंगी हुण जान तू दिन दिन मैनू।
और इसी के साथ बदमाशी का द एंड होता है भाई। एपिसोड 3 ख़त्म, फिनाले ख़त्म। और इससे एक चीज़ आप लोगों को पता लग गई होगी कि बदमाशी का एंड हमेशा ख़राब होता है। लाइफ में कभी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, ख़राब रास्ता चूज़ नहीं करना चाहिए, सदा ईमानदारी के रास्ते पर चलो, किसी का बुरा मत करो। और दूसरा ये कि लड़कियों पर भरोसा मत करो, बट आई एम किडिंग। इससे समझ गए होगे तुम कि बदमाशी यार गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए भाई किसी को भी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना 300,000 इस पर यार, मैं खुश हो जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। और 10 मिलियन होने वाले अपने सब्सक्राइब, 10 मिलियन तक पहुँचाओ यार अपने चैनल। और जेन्युइनली तुम्हें जो चीज़ पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट करके, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट, पढ़ रहा हूँ यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी।